गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हम जिस स्थान पर आए हैं, स्थान का नाम है हरिहर क्षेत्र। ये हरिहर क्षेत्र का महिमा इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में वर्णन किया कि अलकानंद के तीर में, अलकानंद के किनारे में ये हरिहर क्षेत्र। अरे पास पास में आ जाओ, जोर हरिहर क्षेत्र। अलकानंद तीर में ये जो क्षेत्र है इसका नाम है हरिहर क्षेत्र। ये काशी, जो काशी से भी, काशी जहाँ पर विश्वनाथ है, काशी से भी ये श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर साक्षात शिव जी पार्वती जी के साथ गौर नाम का जप करते हैं, और जो भी कोई यहाँ इस क्षेत्र में प्राण त्याग करता है उसके कान में साक्षात शिव जी क्या करते हैं, ना गौर नाम देते हैं। और शिव जी यहाँ पर सब समय प्रार्थना करते हैं अपने गणों के लिए कि गौर हरि के पास कि किस प्रकार इन सबको गौर प्रेम मिले, कृष्ण प्रेम मिले। तो सौ साल काशी विश्वनाथ आदि में जो साधना करके जो मुक्ति मिलता है, इसी हरिहर क्षेत्र में जो भक्त लोग आते हैं, इस हरिहर क्षेत्र में जो भक्त लोग के चरण मात्र रखते हैं उससे मुक्ति को क्या करते हैं, ना पैर में ऐसे मुक्ति को क्या करते हैं, ठोकरा देते हैं। आप लोग समझ में आ रहे कि नहीं, कल बैठो, क्या क्या बोले बताओ। तो जो हरिहर क्षेत्र में जो प्राण त्याग करता है तो स्वयं हरि मतलब शंकर भगवान उसके कान में महाप्रभु का नाम बोलते हैं। और हरिहर क्षेत्र में इसलिए जो प्रभु का देखो उसमें ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते महामंत्र जय, कोई तुम्हें कोई कहते महामंत्र जय जपत महेशा, कहते काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। कहते शंकर जी क्या करते, बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी पंचमुख में हर समय हरि नाम जप करते हैं, लेकिन हमारे देश में एक उधर का नियम है, जो मरने से पहले सब लोग काशी जाते हैं, क्योंकि जब काशी में कोई शरीर छोड़ता है, शंकर जी उनको कानों में अंतिम समय में भगवान का नाम को बोलते हैं। वह काशी में, अगर कोई काशी में शरीर छोड़ेगा ना, उसको मुक्ति मिल जाती है, नरक जाना नहीं पड़ता है। इसलिए सबके सब लोग क्या चाहते हैं, हम काशी में जाए और वहीं पर शरीर छोड़े। लेकिन यहाँ पर, लेकिन वहां तो ये महिमा, लेकिन ये धाम का क्या महिमा है, कद अगर 100 साल, कितना 100 साल अगर कोई काशी में वास करे उसको जो फल मिलेगा, लेकिन जो नवद्वीप धाम में अगर आ जाए तो ये जो स्थान है ये अभिन्न, ये काशी से भी ज्यादा महत्व है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आ जाए ना, कहते वहाँ 100 साल वास करने पर जो फल मिलेगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई आ जाए जो मुक्ति, वो मुक्ति देते हैं ना भक्त लोग, क्या करते हैं मुक्ति को ठोकर मार देते हैं, मुक्ति को तैयार से ठोकर मार देते हैं। अगर यहाँ पर कोई आ जाए तो मुक्ति को वो ठोकर मार के फेंक देते हैं, मतलब यहाँ की इतने महत्व है। इसलिए यहाँ पर तो उन्होंने राम नाम कान में देते हैं, लेकिन ये जो शंकर जी हरिहर क्या करते हैं, जो कोई यहाँ आते हैं ना उनको कान में, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय, उनको कान में उन्होंने महाप्रभु का नाम देते। इसलिए काशी से भी लोग चाहते ना काशी विश्वनाथ चलो, काशी विश्वनाथ चलो, लेकिन काशी जाने पर जितना फल है उससे करोड़ गुण ज्यादा फल यहाँ पर आ जाने पर, और बिना पैसा फी में यहाँ पर आ गए हो, सारे फल मिल गया, तो महाप्रभु का नाम भक्ति मिल गया। बोलो बोलो शंकर जी बोलो। अरे अब तुमको शंकर जी है क्या महिमा, बोलो शंकर जी। तुम्हारा तुम बोलो शंकर जी का, आओ इधर खड़े हो जाओ, शंकर जी का तो महिमा बोल सकता हूँ, कबन तुम बोलो, तो बोलो खड़े हो जाओ, शंकर जी की भक्ति की महिमा बताओ, जल्द जल्द खड़े होने में समय लगा लो, सुन लो उसके बाद में तुम्हारे नंबर ना पर तुम ही बोल सकते शंकर जी की, कर दिया। हाँ बोलो, आवाज साथ में छोटा माइक ले जा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त जी बोलवे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरा गुरुपाद श्री श्याम भक्ति वेदांत के जरूर से हमारे श्री चरण कमल को आनंद अर्पण करते हुए उनको आयती कृपा वांछा कर बताऊँ। उपस्थित भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सबसे धन्यवाद जैसा दंड प्रणाम स्वीकार हो। आज्ञा है कि शिव जी की महिमा अमल पुराण श्री भागवत में ये शिव जी का वास्तव स्वरूप वर्णन किया गया है, तो उसमें बताते हैं कि जागतिक जगत में जो लोग शिव जी का अर्चना करते हैं उनको शैव कहा जाता है। तो वास्तव में हम भी शिव जी का क्या अर्चना पूजन इत्यादि सब करते हैं, मतलब किस कारण में, और हमारा जो दृष्टिकोण है वो अलग है। कैसा दृष्टिकोण? तो श्रीमद भागवत प्रमाण देते है, निम्न गानम जथा गंगा देवानंग अच्युतम जथा वैष्णवानंग जथा शंभु पुराणम इति तथा। तो उसमें बताते हैं जितने सारी नदियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है कौन, ना गंगा देवानंग अच्युत जथा, इतने सारे देवता लोग हैं उनसे विष्णु अच्युत श्रेष्ठ है। ठीक उसी तरह जो वैष्णव है वैष्णव की अग्रगण्य कौन है, ना ये जो शिव जी है वो अग्रगण्य है। बोलते शिव जी वैष्णव कैसे, बोले शिव जी का प्रत्येक क्रिया में उनके जो इष्ट भगवान के प्रति सारी की सारी क्रिया उत्सर्गीकृत। बोले कैसे, बोले शिव जी को सारे जो लोग पूजा करते कैसा फूल देते, बोले अर्घ की फूल देते हैं। और शिव जी का स्थान देखोगे जहाँ शिव जी रहते क्या कहीं तो पर्वत के ऊपर रहेंगे, कहीं तो समुद्र के बीच में रहेंगे, कहीं ऐसे स्थान में नहीं मिलेगा श्मशान में मिलेगा। बोले क्यों, केवल इसमें इष्ट प्रीति है। कौन सा इष्ट प्रीति? बोलते अगर मैं अगर अच्छा फूल को ले लूंगा, अच्छा फूल में क्या करेंगे जितने सारे मेरे भक्त लोग है वो क्या करेंगे ना, अच्छा अच्छा फूल सुगंधित पुष्प में मेरा पूजन अर्चन करेंगे, मगर मेरे जो इष्ट है उनका तो अर्चन पूजन नहीं करेंगे। इसलिए जितने सारे बीस का फूल और जितने सारी जो स्मशान स्थान जो खराब स्थान है शिव जी वहां ही वास करने लगे। तो इसलिए बोलते है कि शिव जी सारी जो वेश है ये कैसा वेश, बोलिए अच्छे कपड़ा अगर पहनेंगे तो भक्त लोग क्या करेंगे उनको लागे अच्छे अच्छे कपड़े देंगे। इसलिए नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय वस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोले और कुछ मिला नहीं, क्या किए गले में सांप डाल दिए। बोले किस कारण, बोले शिव जी सारी सारी जगत को पुकार पुकार के ये शिक्षा दे रहे। बोले अनंत है उनके गुरुदेव इसलिए गला में धारण करते, उनका मुंह कहाँ कान में, इसलिए अगर श्रवण करना है तो क्या श्रवण करो, बोले गुरुदेव की मुखारविंद से कथा श्रवण करो। इसलिए सांप फनाटे के क्या करते शिव जी कान में रहते और हर समय उनको सब ज्ञान प्रदान करते। और हर समय शिव जी क्या करते, जब जब भी हमारे जैसे गोस्वामी वर्ग है सब ये शिव जी के साथ उनका विशेष रूप में क्या हुआ ना विशेष संबंध हुआ। जगत में जब जब विपत्ति आए ये वैष्णव है, इसलिए क्या किए जगत को कल्याण करने के लिए ये सदा सर्वदा तत्पर थे। इसलिए शिव क्या किए ना पहले जहर को पिए। बोले कि देव क्या करते ना अमृत को पान करते, मगर जो बीज को पान किए वो हो गए क्या महादेव। इसलिए वैष्णवानंग जथा शंभु, शंभु क्या है वैष्णव है। हमारे जितने सारे गोस्वामी वर्ग है उनके साथ ये शिव जी का बड़ा अच्छा संबंध था। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी पास ये जहाँ जहाँ भी रहते थे शिव जी के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क था। जो गोवर्धन में आए तो चकलेश्वर महादेव के रूप में उनके साथ वो संबंध था। जैसा जैसे हम सुनते हैं वहाँ कि जो मच्छर हो रहे थे तो ये बोले कि मैं तो यहाँ स्थान छोड़ के जा रहा हूँ और समझो नहीं ऐसा नहीं। और दूसरा दोबारा एक बार काशी विश्वनाथ से एक भक्त था, उनका बड़ा सेवा पूजा इत्यादि करता था, तो वो बड़ा गरीब था। उनका एक बार क्या हुआ ना जो बेटी का शादी था तो वो ठाकुर जी प्रार्थना कर ले रहा, तो ठाकुर जी बोले ठीक है तुम कहाँ जाओ, वृंदावन में जाओ, वहाँ सनातन गोस्वामी पाद के नाम के बड़े बाबे है, आप क्या करना उनसे कुछ मांगना वो दे देंगे। तो ये जब आके सनातन गोस्वामी पाद के पास आए बड़ा आश्चर्यचकित है, बोले विश्वनाथ मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकते, और ये किसके पास भेज दिए, अरे ये तो घुटने के नीचे तक उनका कपड़ा ही नहीं पास में, पास में माला झूली लेके पास जमुना किनारे बैठे हुए, ये मुझे कैसे पैसा देंगे। मगर जब जाके अपनी शरीर से ये बात बताए तो सनातन गोस्वामी पाद याद दिला, अरे वो तो परसमणि मुझे मिला था गंगा किनारे, वो तो वहां पड़ा है। तो फिर जाके वो जहाँ उसको देखे तो फिर लेके तो जा रहे थे, मगर मन में एक भावना आया, बोला अरे ये साधु तो मैं मान रहा था कि ये क्या ना अत्यंत दिन ही नहीं, और जिसके पास इतने बड़ा स्पर्शमणि जिसको लोहा से स्पर्श करने से जो सोना हो जाते उसको जो फेंक रखा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास में इससे भी ज्यादा कोई संपत्ति है जिसके कारण ये परसमणि को वो फेंक दिया है, उसको तुच्छ मान रहा है। तो फिर बाद में जाके बोले कि हे साधु जी हे वैष्णव ये बात बताओ कि आपके पास कौन सा ऐसा संपत्ति है जिसके द्वारा आप ये परसमणि को फेंक दिए हो। बोले ठीक है वही संपद मैं आपको दूंगा, क्या करो जाओ पहले जमुना किनारे स्नान करो। तो फिर जाके जब जमुना में स्नान किए फिर लाके जो सबसे जगत की सबसे बड़ा संपद है
वो क्या ना गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इससे बढ़कर ज्यादा संपत्ति क्या है, यही तो है धन। तो फिर उनको महामंत्र में दीक्षित कराए और यही महामंत्र से वो जॉब करके फिर क्या बोले एक बार जोर से बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। आप सब हाँ तुम बोलो आ जाओ। आज तुम गुरुदेव का शिष्य थोड़ा शंकर जी के बारे में कितने जिंदगी भर शंकर जी कथा सुने होंगे। हाँ सुना। हाँ देखो इधर आ जाओ। हाँ देखो ये जो स्थान है इधर ध्यान देकर सुना, ये शंकर जी यहाँ कहाँ क्यों आए, किस लिए शंकर जी यहाँ पर आए? आप लोगों ने भागवत में कथा सुने होंगे, एक काशी का राजा था, वो शंकर जी को पूजा करता था। इधर आ जा। शंकर जब प्रसन्न हो गए बोले वर मांगो। क्या वर मांगो? लेकिन बोले देखो प्रभु हम चाहते कृष्ण के साथ में लड़ाई करना। शंकर जी कहते वो कहते हैं काशी राजा मैं कृष्ण के साथ में युद्ध करके कृष्ण को मैं मारना चाहता हूँ। देखो शंकर जी को समझना बड़ा कठिन है। और देखो विष्णु पूजा और शंकर जी की पूजा में क्या फर्क है? अगर कोई जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान विष्णु को उपासना की, भगवान विष्णु को जब भगवान दर्शन दिया ना, हृदय उनका परिवर्तन हो गया। बोले प्रभु मैं कांच के टुकड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन अगर किसको पारस मणि मिल जाए जगत में से कौन सा मूर्ख होगा जो कि कांच का टुकड़ा ग्रहण करेगा पारस पत्र छोड़ करके? हमें नहीं चाहिए आपकी भक्ति और आपको प्रेम चाहिए हमें और ये दुनियादारी। अगर कोई भगवान की उपासना करेगा, अगर कोई उल्टा पुल्टा कामना वासना लेकर के ना, जब वो भगवान दर्शन देते हैं उसका हृदय कामना वासना खत्म हो जाती है। लेकिन अगर शंकर जी को दुर्गा को और दूसरे दूसरे देवा देवी को अगर कोई कामना वासना लेकर पूजा करो ना और बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने शंकर जी को पूजा किया। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण को मैं मारना चाहता हूँ। लेकिन शंकर जी को समझना भी बड़ा कठिन है। हाँ शंकर जी को समझना भी बड़ा कठिन है। शंकर जी को परम भक्त है। बोले भगवान कृष्ण को परास्त करो। बोले हाँ। बोले चलो मैं चलता हूँ तेरे साथ में, चलो दोनों मिलकर भगवान को कृष्ण को ऊपर में परास्त करेंगे। अभी उन्होंने कृष्ण को ऊपर चढ़ाव कर दिया। इतने में भगवान सुदर्शन चक्र उठाया और सुदर्शन चक्र को उन्होंने फेंका तो पहले तो काशी राजा का सर काट दिया। सर काट करके फिर काशी राजा उसका राज्य में गया और पूरा काशी को जला करके राख बना दिया। फिर शंकर जी को पीछा किया। किसको पीछा किया? भोले बाबा को। ए शंकर जी मारे मारे भटकते रहे। वो जहां जाए ना सुदर्शन चक्र उनको छोड़ नहीं रहा है, कहीं भी चक्र नहीं छोड़ रहा है। फिर शंकर तो वैष्णव है, शंकर जी भगवान की परम भक्त है। बोले अभी क्या करे, अभी कहां जाए, ये चक्र मेरे को छोड़ नहीं रहा है, लगता है चक्र मेरे को भी खत्म कर देगा। वो मारे मारे फिर देखा श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर जन्म ग्रहण करेंगे। महाप्रभु बड़े दयालु हैं। फिर उन्होंने श्री महाप्रभु के पास में आए। महाप्रभु के पास में आने पर महाप्रभु ने उनको यहीं पर स्थान दिया। बोले प्रभु मेरे को अपना चरण में स्थान दो, ये जो दुष्ट लोग है ना मेरे को पूजा करके अपना कंट्रोल कर लेते हैं और मेरे से दुनियादारी चीज मांगते हैं, इसलिए ये दुष्टों का संग करते करते अब देखना अक्सर करके जितने गंजड़ी भंगेड़ी सब जितने राक्षस किसको पूजा करते हैं? सारे भोले बाबा बम बम भोले बाबा सब इनके भक्ति करते हुए देखोगे सारे गंजड़ी भंगेड़ी जितने हैं। इसलिए कहते ये मेरे पूजा करके मेरे बुद्धि इनका संग करते करते मेरा बुद्धि भी खराब हो गया। शंकर जी कहते इसलिए प्रभु आप कृपा करके अपना श्री चरण में हमें स्थान दे दो, आपका चरण में रहूंगा ना बुद्धि सही रहेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु शंकर जी को यहीं पर स्थान दिया। इसलिए वहां जो मूर्ति देखोगे ना हरिहर क्षेत्र है, आधा उनकी हरी और आधा उनकी हर, मतलब आधा शिव और आधा भगवान है ये। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं ये जो शंकर जी मेरे इतने प्रिय है शंकर जी, देखो आधा भगवान और आधा शंकर जी। लेकिन कभी कभी लोग इसमें भ्रमित हो जाते कोई कोई व्यक्ति तो ऐसे व्यक्ति है कहते नहीं जगत में सबसे बड़ा तो भोले बाबा, भोले बाबा से बड़े कोई ही नहीं जगत में, नहीं तो कोई कोई बोले तो कोई हरिहर एकात्मा है। हाँ इसलिए यहाँ पर जो हरिहर एकात्मा बताया कारण क्या है? कारण है कहते तत् प्रिय तन्य मन्यते भगवान। हम लोग कहते ना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नामा वैष्णव परा। भगवान खुद कहते जो संत है मेरे हृदय में बैठते हैं।
संत मेरे हृदय में बैठते, इसीलिए अभिनय है। इसके मतलब नहीं शंकर जी भगवान, शंकर जी बराबर भगवान नहीं। कभी कभी लोग इस चीज को भूल कर डालते हैं, इसलिए कभी इसलिए शास्त्र में बताया जो ब्रह्मा शंकर जी को भी भगवान को साथ में बराबर करेगा वो पाखंडी है, वो पाखंडी है। हनुमान जी कौन है बोलो, ये हनुमान जी कौन, ये शंकर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र दहत जी नेहबस पांडर भाई हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये शंकर जी के स्वरूप में भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, शंकर जी ने हनुमान बन करके आए, शंकर जी हनुमान बन करके आए। और हनुमान जी जब राम दरबार लगा हुआ, हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं, चरणों में। और दिन भर करते हैं क्या राम की सेवा, और रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, दिन भर भजन। अगर कोई बोल दे राम के साथ में हनुमान बराबर है, कितने पाखंडिता, तो बोलो कभी राम के साथ में हनुमान बराबर हो सकते हैं। जो चरण इसलिए जिस जो बराबर कहते हैं ना, हनुमान जी क्या गदा उठाकर एक बात मारेंगे खोपड़ी पर। इसलिए हनुमान जी लंका जलाया कि नहीं, जलाया लंका जलाया ना, बोले क्यों जलाया, वो हनुमान तो शिव है, रावण किसका भक्त था, शिव का, शिव का भक्त था, पर शिव क्यों जला रहा है, वो शिव को जिसको पूजा कर रहा है वही। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं प्रभु रे लंघिया जब आप भृत्य भक्ति करे भो खाई से भक्त ताहर संगारे। अगर कोई भगवान को अपमान करते हुए उनका भक्तों को अगर कोई पूजा करता है, उसका पूजा भगवान ग्रहण करते हैं, वो शंकर जी पूजा उसकी ग्रहण करेंगे और उसको ही गला काट देते हैं। इसलिए हनुमान जी किसने शंकर जी को बोला क्यों भोले बाबा क्या बात है, बोले क्या बात, देख तेरे भक्त का क्या हो रहा है। हनुमान जी कैसे लंका में आग लगा दिया ना, बोले तेरे तेरे भक्तों का क्या हो रहा है, ऐसे तैसे हो रही है, ऐसे तैसे हो रही है। शंकर जी क्या कहते जानते हो, बोले राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भैया जो राम की विमुख होकर मेरे पूजा करते है ना, उसको यही दुर्गति होती है। इसलिए शंकर जी को समझना बड़ा कठिन है, लेकिन यही शंकर जी फिर क्या करते हैं, श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके जब रास में शंकर जी कोशिश किया प्रवेश करने के लिए, लेकिन वहां घुसने नहीं दिया, घुसने दिया उनको छोटी पकड़ कर निकाल दिया। फिर कृष्ण ने कहा क्या, भोले बाबा जब मैं कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा ना, फिर श्रीवास अंगन में दोनों गलवैनिया दे करके क्या करेंगे, बोले सचिनंदन गौर हरि की जय, तभी हम संकीर्तन रास करेंगे। इसलिए जो शंकर जी यही श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए, और इन्होंने श्री महाप्रभु को बुलाया, और महा इसलिए कहते हैं ना दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। श्री अद्वैताचार्य जो क्या कहते हैं गौर आना ठाकुर, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में अवतीर्ण कराया, इनकी कृपा से ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम जो हरिहर क्षेत्र के पास में आए ना, इनकी कृपा से ही यही श्री अद्वैताचार्य रूप में आए जगत में, और महाप्रभु को लाए, और इनकी वजह से अभी हम तिलक कंठी माला लेकर के निताय गौर प्रेमानंद महाराज जी ने मुझे आदेश दिया है कि शिव जी के बारे में बताएं, और हम सभी जानते हैं कि शिव जी परम वैष्णव हैं। जोर से बोलो। हम सभी जानते हैं कि शिव जी परम वैष्णव हैं, और इन्होंने कई जगहों पे कई स्थानों पे इन्होंने उदाहरण दिया है, जिसका कई उदाहरण एक जगन्नाथपुरी में भी देखोगे तो काशी विश्वनाथ स्वयं जगन्नाथ जी मंदिर में लेफ्ट साइड ठहरे रहते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी कथा रहती है, एक माता जी जब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती है, कहती है कि मुझे काशी विश्वनाथ भेज दीजिए। एक दो बार जैसे जाती है तो श्री जगन्नाथ जी उसे प्रत्यक्ष होकर कहते हैं तुम्हें काशी विश्वनाथ जाते हैं, जो आप नीचे जाओगे तो आप एक बूढ़े बाबा है उनसे आप काशी विश्वनाथ ले जाने के लिए कह देना। वो माता जी भी बूढ़ी रहती है, जब वो जाती है तो
काशी विश्वनाथ जी को वो बूढ़े बाबा रूप में रहते हैं, तो कहते हैं कि आप मुझे काशी विश्वनाथ ले जाओगे? तो शिव जी कहता, जो बूढ़े बाबा कहते हैं, किसने कहा आपसे? मुझे जगन्नाथ जी ने कहा काशी विश्वनाथ। तो जब फिर दूसरी बार जाती है तो कहते हैं जगन्नाथ जी, हाँ जगन्नाथ जी कहती है वो माता जी कि वो तो बूढ़े बाबा है, मुझे क्या लेके जाएंगे, मैं ही बुढ़िया हूँ, वो मुझे क्या ले जाएंगे। तो फिर जब दूसरी बार जाते हैं, नहीं इस बार जाना आप, उनसे प्रार्थना करना, वो आपको भेज देंगे। तो जब जाती है बूढ़े बाबा के पास तो वो अपना प्रकाश बताते हैं कि मैं ही काशी विश्वनाथ हूँ, यहाँ पे जगन्नाथ की सेवा करने जा रहा हूँ, काशी विश्वनाथ जाके तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, तो यहाँ पे जो लाभ मिलेगा उससे ज्यादा तुम्हें और कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये एक उदाहरण हो गया। और जब गोप कुमार की कथा आती है, जब कैलाश पहुंचते हैं, भृगुभक्तामृत में लिखा हुआ है, तो हमारा जो मंत्र रहता है वो हमें कैलाश तक पहुंचाता है, जो उसके बाद है जो हमारा हरिनाम ही रहता है। और वहाँ पे आप जब देखोगे तो वहाँ पे स्वयं शिवजी, उनके गण और उनके पुत्र और उनकी पत्नी सभी हरिनाम ही करते रहते हैं और संकीर्तन करते रहते हैं। और वही गोप कुमार को उनके गणी कहते हैं कि आपको हरिनाम करते हुए आगे जाना है। तो इस तरह से ये कथा हो गई। और आप जब वृंदावन में देखोगे तो कैसे वो गोपेश्वर महादेव बन के गोपी के रूप में कैसे वो सेवा कर रहे हैं और कैसे उन्होंने प्रार्थना की थी। तो इस तरह से कई जगहों पे उदाहरण मिलता है। और जब कृष्ण भी जब जन्म लेते हैं तो जब कैसे वो यशोदा मैया के पास आते हैं और आके किस तरह से रोते हैं और फिर किस तरह से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। तो इस तरह से आप कहीं भी देखोगे, हर जगह पे कृष्ण शिवजी ने कृष्ण की जितने भी अवतार हुए हैं उन्हीं में वर्णन किया है कि कैसे वो सेवा करनी चाहिए। जैसा आप राम के अवतार में शिव जी भी देख लो, तो कई लोग कहते हैं कि जब राम जी भी जन्म लिए थे तो कहते हैं कि शिव जी की अवतार हुआ था, जब उनकी लीलाओं में कहते हैं कि शिव जी की पूजा की थी। तो कैसे शिव जी की पूजा की थी? तो जब शिव जी की पूजा की थी तो उदाहरण इसलिए देते हैं कि अब स्वयं राम जी, राम की तो नहीं, लेकिन जब राम अवतार होता है, विष्णु अवतार होते हैं, तो जब देव बन के आते हैं शिव जी, इसका मतलब ये नहीं कि वो समान है। और जब जब देव देवों के जब आते हैं तो उसमें फिर वो दास बन के भी बताते हैं। तो इस तरह से कई जगह शिव जी अपनी आराध्य विष्णु की वो सेवा करते रहते हैं। भोले बाबा की जय। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय माइक नहीं श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव सेंटेनियल की जय। हरिहर क्षेत्र की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। शिव की जय। शंभू की जय। रुद्रदेव की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सो वी कम टू हरिहर क्षेत्र and perhaps you will remember the specific pastime here in Kashi. There was one personality, Pundraka Vasudev, and he put some plastic arms on himself. He said, now I am four-arm Vishnu. And he sent message to Krishna in Dwarka, you have to give me your discus, your club, your conch, your lotus. You have to give all to me. And everyone in the assembly laughing. Who is this person? They could see fiberglass arms. And but Krishna was not happy with this. So he brought whole army. Pundraka Vasudeva was taking shelter of the king of Kashi. They were together. So Krishna, he came with army from Dwarka to Kashi and completely annihilated all Pundraka's followers and the king of Kashi also chopped his head off, threw it over the gate. And when the head fell down, all the residents, they thought, oh, this must be Krishna's head. And then they saw, oh my God, it's the king's head. And then the son, Sudakshin, he became very angry and he made a yagya. And he called from that yagya Dakshin Agni. And that Dakshin Agni was made of fire. That Dakshin Agni went to Dwarka and he came to the gates of Dwarka and Krishna told Sudarshan Chakra, you just go and deal with this Dakshin Agni. Sudarshan Chakra went and immediately the heat of that was intimidating for this demon, Dakshin Agni. Dakshin Agni had to go back to the person
from who manifested him, which was Dakshindev, the son of the king of Kashi. Understand me? So then, Dakshin Agni came back and killed all the priests and Dakshin, the person who had called him. This is what they have to do. They have to if you invoke the demon and the demon is not complete in his task, then he turns around and he annihilates the people who called him. But then Sudarshan Chakra came right behind, and Sudarshan Chakra began incinerating Kashi. And at that time, Mahadev Vishwanath, he is the presiding Ishtadev of Kashi. Even he realized, I cannot stay against Krishna's Sudarshan Chakra. So he fled and he came here and he was chanting Gauranga, Gauranga here. And Vishnu manifested. And Shivji, who is himself Swamsa Tattva, he's manifesting directly from the right side of Krishna. Radharani, she manifests from the left side of Krishna. And Shivji, to keep the confidentiality of the pastimes and to also act as the Khetrapal, straight away at Vamsivat. Then Gopeshwar Mahadev is manifested from Krishna's right hand side. Then Vishnu is saying to Shivji when he comes here that, oh, you and I are the same. And just see, and then he manifests this beautiful form that we see here today. Half black, Hari, and then Hara. That energy coming from Hari, which is Shivji. So Shivji Tattva sometimes can be confusing for people if we don't understand a key word. There's one key word to appreciate, that Shivji is Swamsa. You understand Swamsa? No. Swa, own. Anksa, coming from the Anksi. Krishna is the Anksi. Swa means those that are coming directly from Krishna. This is Baladev Prabhu, Parashuram, all the avatars, Kaurama, Matsya, Varaha, etc., Narsingadev, all coming from Krishna. They are avatars. They have come from him. They are Swamsa. Swamsa. Swa Amsa. Shivji also is Swa Amsa. We must deeply appreciate this, because on Shivratri, we all honor Vishnu Tattva. Why do we honor Vishnu Tattva? Most even other Gaudiya monks, they don't. But my Gurudev, he would always have great honor for Shivji, accepting him as Vishnu Tattva. But the complication comes because Shivji himself is not considering himself as Vishnu Tattva. He considers himself as Jeev Tattva, even though he is Vishnu Tattva. He worships Sankarshan, he worships Lord Ram. These are his Ishtadevs. So the key word is Swamsa Bhav Abbas. As Swamsa Bhav Abbas. This is Shivji. But he is Swamsa, but he doesn't have himself the conception that he's Swamsa. Understand? Then everything else makes sense. Then Sada Shiva. Then Sada Shiva, we know for creation. He becomes Shambhu. He carries the halo of the Jyoti into this world, the glance that Mahavishnu is looking towards. The Pradhan, Durgama, and it's Shambhu who carries that glance and impregnates his wife, Durgama. And from this point, he carries, what does he carry? He carries the seed. What is in the seed? The jiva and time. When the jiva and time enter the Pradhan is like the unmanifest, like a woman. When she has embryo, but the male semen has not entered. So it's just like conglomeration. Nothing has happened yet. But when that seed enters, then it becomes cohesive, we say in English. And then
the jiva and time are impregnated into the Odara Shakti, that's called. That's the womb of Durga Ma. And from this place, then the three modes of material nature are agitated. Then the entire cosmic manifestation happens. So those are three aspects of Shivji: Gopeshwar Mahadev, Sadashiva, and Shambhu. And the fourth one is Rudradev, manifesting from Lord Brahma when he becomes very angry that his first four sons, they don't procreate like he's asked them to do. They just want to be remain brahmacharis, like yogis. And Lord Brahma, he tries to hold his anger inside, but it comes out from between his eyebrows, a little black blue boy crying piteously. And his father says, oh, because you're born from my anger, your name is Rudra. So this is Rudradev. This is the fourth manifestation. But none of this is confusing when we understand that key from the very beginning. But we do have to understand and appreciate always that Vishnu, that Shivji is Vishnu Tattva, even though he himself is not considering himself as such. And then there are so many other pastimes. So when Shivji, he came here after being chased by the Sudarsan Chakra, then he glorified Chaitanya Mahaprabhu. And it's described, if you chant Shivji's name right here as you're leaving the body, then Gauranga Mahaprabhu will definitely manifest for you and give you all the secrets of how to come to Goloka Vrindavan. So Sada Shiva Ki Jai, Gopal Mahadev Ki Jai, Rudradev Ki Jai, Shambhu Ki Jai. Chakara, Palaka, Amara, Omara, Krishna, Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare Hare हम लोग जिस स्थान पर आए हुए हैं ये है हरिहर क्षेत्र, इधर शिव जी एवं विष्णु दोनों एक ही विग्रह में है। पूरा दुनिया में ऐसे कोई विग्रह नहीं है। इधर जिहंद्र सबसे पहले भी कृष्ण प्रभु हिंदी में वर्णन करेंगे। भी कृष्ण प्रभु कौन मारा यदि हरे कृष्णा ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया पूरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्री रूपाय प्रियात्मने भक्ति वेदांत नारायणेति नाम्ने श्री कृष्ण लीला अनुकथने सुदक्ष मोदार्ज माधुर्य गुणैश्च युक्तम् वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण स्वाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये आनंद लीलामय विग्रहाय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मोले सनक सनंदन सनातन नारदित्य गोपीश्वर ब्रजविलास युगांग्रिपत्नी प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे।